सागर हमें बचा लो, नहीं तो मार डालेंगे। मौत के पहले भेजा था संदेश, मगर अफसोस नेट था ऑफ और दरिंदों ने कर दिया खून। वो लाचार और बेबस थी, करती भी तो क्या करती, क्योंकि जान का खतरा अपने ही घर में मंडरा रहा था। भाई को व्हाट्सएप पर वीडियो के जरिए संदेश भेजा, हमें बचा लो वरना मार डालेंगे। मुझे बचा लेता अगर, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे बच्चे भटक के रह जाएंगे, मैं मर गई तो जो मुझे रोज मारने की धमकी दे रहा था, अगर मुझे बचा ले, मरना नहीं चाहते, मुझे बचा ले सागर। पता नहीं क्या सिखा दिया इनको, इनके पापा ने और उनके भैया ने, मुझे नहीं पता क्या सिखा दिया है, मुझे कभी मार सकते हैं, मैं मरना नहीं चाहती मैं। मगर अफसोस नेट ऑफ था और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर हर कोई दंग है। जी हाँ, दिल को दहला देने वाला ये ताजा मामला यूपी के हाथरस जिले का है। कुछ बताने से पहले जरूरी है, अपनी जान की सलामती के लिए एक बहन द्वारा अपने भाई को भेजा गया ये वीडियो आप जरूर देखिए। हेलो, मेरा नाम मोना है, मोना गुप्ता, मैं मेरठ से हूँ। मेरे पति का नाम राहुल गुप्ता है, मेरा ससुर सुरेश चंद्र, मेरा जेठ ज्ञानेश। मेरे पति को पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं उसको क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है, वो रोज़ एक कार्रवाई करता है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। कभी बोलते हैं कि मैंने जायदाद से बेदखल कर दिया है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, ये लोग मुझे रोज़ परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, और ये मुझे मारना, मुझे नहीं पता ये मुझे कब मारना। अगर मुझे इन्होंने मार दिया तो मैं, मेरे बच्चे भटकते रह जाएंगे, मैं अपने बच्चों के साथ मैं अपना जीना चाह रही हूँ, ये मुझे बहुत बदनाम कर रहे हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे 3 मासूम से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार कि हम तुझे मार देंगे, तुझे मार देंगे। तो देखा आपने, मौत से पहले एक बहन किस तरह अपने भाई सागर से खुद को बचाने की फरियाद कर रही है। उसे डर है ससुराल के लोग उसकी हत्या कर देंगे। आखिर हुआ भी वही, विवाहिता की लाश घर के कमरे में रस्सी से लटकती मिली। आरोप है कि ससुराल जनों ने विवाहिता की हत्या कर लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। अब भाई सागर सदमे में है और अपनी किस्मत को कोस रहा है, जो वक्त रहते बहन का वो वीडियो देख ना सका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर गुप्ता है। ये कल फांसी पे मेरू में जो विवाहिता की मौत हुई है, वो आपकी बहन थी? हाँ, वो मेरी सिस्टर थी, मोनिका गुप्ता। तो उन्होंने एक वीडियो भेजी थी आपको, तो शायद आपको वीडियो आपको पहले ही प्राप्त हो जाती, शायद अपनी बहन को बचा सकते थे। मैं क्या, हर भाई बचाना चाहेगा, मैं नेट ना चालू होने के कारण मैं देख नहीं पाया उस वीडियो को, अगर मैं पहले देख लेता तो इतनी बड़ी वारदात ना हो जाती। तो आपकी बहन को आपके ससुराल वालों ने मारा है? हाँ, ससुराल वालों ने ही मारा है, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर भी जमीन पे थे और गर्दन से लटकी हुई थी वो। तो पहले से कोई विवाद चला रहा है? पहले से कुछ नहीं था, वो घर की कलेश होती थी बस, वो दहेज ताकि कोई मांग वगैरह थी उनकी, 10 लाख रुपए शादी में लगाए थे, और पैसे वगैरह मांग रहे थे वो। आप तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी कोई पकड़ा ही नहीं है, 5 नाम दर्ज कराए थे। नाम किस से नाम दर्ज कराई रिपोर्ट? एक उनके हस्बैंड है राहुल गुप्ता, और उसका ससुर सुरेश गुप्ता, और उसकी सास है सर्विस गुप्ता, और इसका एक नंदोई है, उसका नाम है प्रदीप उर्फ जुगनू, और इसकी एक ननद है नीनू गुप्ता। दरअसल कोतवाली
हाथरस जंक्शन इलाके के सिथरौली निवासी सर्वेश कुमार ने 6 साल पहले अपनी पुत्री मोनिका की शादी बापू बाजार के राहुल के साथ करवाई थी। इधर राहुल और उसके घर वाले मोनिका को काफी समय से परेशान कर रहे थे और मोनिका को लगने लगा था कि उसकी जान को खतरा है, और हुआ भी वही जिसका डर था। मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। मेड़ो में एक महिला की फांसी पे लटकने की सूचना मिली। सूचना में पुलिस गई और उसको उतारा गया, महिला को। महिला के परिजन थाने पर आए हैं, उन्होंने दहेज मृत्यु की दरखास्त दी है, जिस पर 304B में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया, विवेचना की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एनडीटीवी भारत के लिए हाथरस से शफी खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।